जो पहली रामायण एक्सप्रेस डिपार्ट हुई थी वो हुई थी 7 नवंबर को, सेकंड रामायण एक्सप्रेस डिपार्ट हुई 12 दिसंबर जो मैंने बोर्ड की है, तीसरा टूर डिपार्ट होगा इन द मंथ ऑफ फरवरी जिसकी बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और व्लॉग फ्रॉम दिस रामायणा एक्सप्रेस सीरीज। इसमें मैं आपको ट्रेन जर्नी दिखाने जा रहा हूँ फ्रॉम अयोध्या कैंट टू सीतामढ़ी। शुरू करें? नहीं दोस्त, आपको स्टाइल पता तो है, कमॉन हेडफोन लगाइए, डिवाइस को फुल स्क्रीन कीजिए और अगले 15-20 मिनट के लिए सब कुछ भूल जाइए। मैं हूँ आपके साथ, आप हैं मेरे साथ और हम दोनों हैं इंडियन रेलवेज के साथ। और मैं तो आपसे यही कहूँगा, ये सिर्फ वीडियोज़ नहीं है, ये एक वेब सीरीज है ऑफ दिस रामायण एक्सप्रेस। तो चलिए मेरे साथ ट्रैवल कीजिए, मेरे साथ एक्सप्लोर कीजिए #, देखो अपना देश। जय श्री राम। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था किसी व्लॉग की शुरुआत मैं होटल से करूँगा, तो ये चीज़ आप समझिए, अगर आप रामायण एक्सप्रेस बोर्ड कर रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 18 दिन आपको ट्रेन में ही चलना है। आप अच्छे अच्छे होटल्स में भी रहोगे प्लस लोकल साइट सीइंग भी आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया अयोध्या की कुछ लोकल टूरिस्ट प्लेसेस, आज मैं आपको कुछ और दिखाने जा रहा हूँ। अयोध्या का करंट टेम्परेचर अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये है वीडियो नंबर 3 फ्रॉम #, रामायण एक्सप्रेस। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीस। राम जन्मभूमि अयोध्या में मैं किस प्रॉपर्टी में रहा, आपको एक पूरा रूम टूर देना ज़रूरी है। सोचिए ये स्टे आपको दिया गया है फ्रॉम IRCTC टूर पैकेज। मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, दिस इज़ फार बेटर देन माय एक्सपेक्टेशन। तो पहले मैं जल्दी से आपको पूरा एक रूम टूर दे दूँ। ये देख लीजिए वाइड लेंस में, यहाँ डबल बेड, इस तरफ मेरा देख लीजिएगा, यहाँ पे सब लगेज का ऑप्शन दिया गया है, सब कुछ आप देख सकते हो। इस साइड में आपको दिखा दूँ, यहाँ आपको मिलेगा TV प्लस यहाँ पूरा सिटिंग अरेंजमेंट आपको दिया गया है। देर इज ऑल्सो AC डिपेंडिंग आप कौन से सीजन में आ रहे हो। प्लस यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये केटली दी गई है प्लस टी एंड कॉफ़ी जो भी आप एंजॉय करना चाहें। और इस तरफ यदि मैं आपको दिखाऊं तो ये है अटैच्ड वॉशरूम, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। यहाँ पे मैंने देखा अभी गर्म पानी ठंडा पानी जो भी आपको चाहिए सब कुछ दिया जाएगा। इस तरफ से आपको एक बार में पूरा वाइड लेंस में ये देख लीजिए, ये वाला रूम इनको दिया गया है। टाइम देख लीजिए, दिस इज़ 7:53। जिस प्रॉपर्टी में हमने स्टे किया है मैं आपको बता दूं, प्रॉपर्टी का नाम है ताराजी रिसॉर्ट। और एक चीज़ और, बिकॉज 129 पैसेंजर्स हैं तो सब की सब एक होटल में नहीं है, आई गेस 4 होटल्स में उनको अलग अलग रखा गया है, बिकॉज एक ही होटल में इतने रूम्स मिलेंगे नहीं। प्लस अयोध्या में क्या है, करंटली वेडिंग सीजन चल रहा है तो यहाँ पर रूम्स की थोड़ी सी कमी है। आपको प्रॉपर्टी कैसी लगी ज़रा कमेंट करके अपना जवाब बताइएगा ज़रूर। ब्रेकफास्ट सेकंड फ्लोर रेस्टोरेंट में ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, तो अब ब्रेकफास्ट करेंगे और सफ़रनामा को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इस व्लॉग को पूरा देखते जाइए, वर्चुअली मैं आपको दिखा रहा हूँ #, रामायणा एक्सप्रेस का पूरा टूर आप मेरे साथ एक्सप्लोर करने वाले हो। ये है इस टूर की खासियत, ब्रेकफास्ट हो रहा है अयोध्या के किसी होटल में, डिनर किया जाएगा ऑन बोर्ड रामायण एक्सप्रेस, लाजवाब। तो यहाँ पर अब ब्रेकफास्ट सर्व किया गया है, ये देख लीजिए माय फेवरेट पोहा दलिया है, आलू के पराठे,
ब्रेड हो गया, टोस्ट ब्रेड, उसके साथ टी कॉफ़ी या फिर जूस, मैं प्रिफर करूँगा जूस। सब जितने भी टूरिस्ट ट्रैवल कर रहे हैं, सब ने यहाँ ब्रेकफास्ट किया है, हर चीज़। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पे ऑन टाइम रन हो रही है, बिल्कुल टाइम टू टाइम। ये हमारे साथ हमारे गाइड चंदन जी, रेडी 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 फॉर डे टू, रेडी फॉर डे टू। यस भाई, चंदन जी के साथ आप प्रोसीडिंग टूवर्ड्स नंदीग्राम। यस चंदन जी के साथ आप एक्सप्लोर कीजिए, इनके साथ तो घूमने का ना, इनकी कंपनी का एक अलग ही मज़ा है। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, फिर सब पैसेंजर्स बस में बोर्ड करेंगे और फिर चलेंगे, फिर चल पड़ेंगे। और जिस तरह से इस टूर को डिज़ाइन किया गया है ना, अब तक तो एकदम सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। पीछे बस देख लीजिए, सब पैसेंजर्स अब बस में बोर्ड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से हम जा रहे हैं सबसे पहले नंदीग्राम, करेक्ट। कुछ 17-18 किलोमीटर की जर्नी टाइम लगेगा, आधा घंटा। हमारे साथ एक पैसेंजर, सबसे पहले सर आपसे जानना चाहूँगा, जो होटल में हमने स्टे किया, बिकॉज़ अगर मैं बोलूँगा तो पब्लिक नहीं मानेगी, आप बताइए आपको होटल कैसा लगा, रूम वगैरह कैसा था? मेरा नाम शरद कुमार पुरोहित है और मैं उड़ीसा का हूँ, और मैं आज हम लोग यहाँ पर हिराजत होटल सिलसठ में आज ठहरे थे। दी एकोमोडेशन वॉज वेरी गुड एंड देर वॉज लिटिल प्रॉब्लम, बट देट कैन बी ओवरकम, इट वॉज मैनेज बाई द होटल मैनेजमेंट एंड दी स्टेइंग वॉज वेरी नाइस, दी फूड वॉज वेरी नाइस एंड एवरीथिंग इज ओके। नाउ वी आर लिविंग फॉर नंदीग्राम। नंदीग्राम सर, आउट ऑफ 10 आप कितना देना चाहेंगे होटल को? आउट ऑफ 10 आई एम गिविंग 7। आप 7 दे रहे हैं। देखिए, जब इतने सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, 130 एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ी चीजें यहाँ वहाँ हो सकती हैं, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ता है। बट सर ओवरऑल मजा, ओवरऑल इज गुड, वेरी गुड। हाँ, ये हमारी बस आ गई, पीछे आप देख लीजिए एक और बस आई है जिसमें पैसेंजर बोर्ड करेंगे। सर ऑल गुड? यस, एवरीथिंग इज फाइन, वेरी गुड। डे 3 इज अबाउट टू बिगिन। या रेडी? यस रेडी। चलिए, आज हम अभी भरत कुंड पहुँच गए हैं। ये वो स्थान है जहाँ भरत जी भगवान राम के प्रतीक्षा में 14 वर्ष तक तपस्या करते हुए स्नान ध्यान करते थे, और यही वो जगह है जहाँ दूसरे किनारे पर वो हर वर्ष अपने पिता दशरथ का पिंड दान करते थे, जो इसके दूसरे किनारे पर है। अब हम पहुँचे हैं उस जगह पर जहाँ पर भरत भगवान जी ने श्री राम जी का 14 साल इंतज़ार किया था। अगर आप वहाँ देखोगे, वहाँ पर वो गुफा है जहाँ पर ज़मीन के नीचे उन्होंने अपनी तपस्या की थी। आप वो गुफा देख सकते हो, और यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर भरत जी ने हनुमान जी को जो तीर मारा था वो यहाँ कहीं था, और पीछे आप देखिए फिर वो मंदिर बनाया गया। अंदर राम जी का, भरत जी का आप मूर्ति वगैरह वो दर्शन वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आइए, और यही तो है रामायण एक्सप्रेस, आपको बिल्कुल रामायण के इतने नज़दीक ले जाती है और अलग अलग जगह आपको दिखाती है। ये तो महज शुरुआत है, अभी तो देखिए हम पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने वाले। अब मैं अंदर जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत दर्शन करूँगा अंदर, क्या थोड़ा कैमरे का इश्यू है तो इसी से मैनेज कीजिए। देखिए जितने टूरिस्ट हैं सब यहाँ पर, सब उस हिस्ट्री को, आप उस हिस्ट्री को जानना चाहें, समझना चाहें, ये रामायण एक्सप्रेस बोर्ड कीजिए, ये आपको सब कुछ रामायण के बारे में बिल्कुल एकदम साफ बताती है। सोचिए इतनी यंग एज पे मेरी तीर्थ यात्रा हो रही है, मेरे को कभी कभी तो YouTube का ना फंडा समझ नहीं आता। बट यार ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बट यहाँ डेवलपमेंट, मतलब आई फील डेवलपमेंट कैन बी लॉट बेटर। आप बता रहे थे अयोध्या का हाल 5-6 साल पहले और भी बेकार था, वहाँ तब भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, बट यहाँ देखिए रोड्स वगैरह कुछ भी। अब सबसे पहले आपके लिए एक होमवर्क, ज़रा बताइए उत्तर प्रदेश का यानी यूपी का स्टेट फ्रूट कौन सा है और स्टेट एनिमल कौन सा है। अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके
बताइएगा ज़रूर। और अगर बाई एनी चांस नंदीग्राम से कोई ये वीडियो देख रहा है प्लीज़ मेरे को बताइएगा। ये देखो यहाँ पे हमारी बस पार्क है, अभी सब लोग तीन चार एक प्लेसेस हैं जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक बार उनका हो जाए फिर बस बोर्ड करेंगे और फिर यहाँ से चल पड़ेंगे, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। बिल्कुल विलेज वाली फीलिंग है। देखो भाई साहब अगर इंडिया देखना है ना तो ये वाली ट्रेन बोर्ड करो सीरियसली। सब घूम घाम के एक्सप्लोर करके वापस आ गए होटल लंच करने के लिए, बट उस होटल में नहीं जिसमें हमने स्टे किया था, हम आए हैं दूसरे होटल में। होटल का नाम है रॉयल हेरिटेज, जहां सेकंड ग्रुप स्टे कर रहा है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लंच, और ऐसा लग रहा है दिस प्रॉपर्टी इज़ इवन बेटर जिसमें हमने स्टे किया था ना एज कंपेरिजन में। पापड़, राइस, दाल, रायता, सूखी सब्जी, सब आपको यहाँ पर इतना अच्छा फूड प्रोवाइड किया जा रहा, बिल्कुल फ्रेश और एकदम गर्म। एक चीज़ दिल से कह रहा हूँ, ऐसा लगता ही नहीं कि हम रेलवेज के साथ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जिस तरह से टूर डिज़ाइन किया है, जिस तरह से मैनेजमेंट है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्राइवेट एजेंसी के साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं। सब टूरिस्ट अब लंच कंप्लीट कर रहे हैं, और बाकी जो टूरिस्ट हैं वो भी आए नहीं हैं, वो आ जाएं, वो लंच कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से हम डिपार्ट करेंगे और यहाँ से जा रहे हैं हम अयोध्या रेलवे स्टेशन। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ IRCTC की टूरिज़म टीम के साथ, और ऑफ कैमरा जो हमारी बातचीत हो रही है मैं आपको क्या बताऊँ, महाराजा एक्सप्रेस, गोल्डन चैरियट, डेक्कन ओडिसी, सब हमारी रेलवेज़ के बारे में मुझे खुद इतना नया सीखने को मिल रहा है। 129 पैसेंजर्स अब तक अलग अलग होटल में थे, अब सब लंच करने के लिए सब एक साथ आ चुके हैं, और यहाँ की वाइब मैं आपको नहीं बता सकता। मैं हूँ सोलो ट्रैवलर, बट ट्रस्ट मी ऐसा लग रहा है मैं इतनी बड़ी फैमिली के साथ, देखिए इतनी बड़ी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ कुछ गरबे का हम जुगाड़ कर रहे हैं, आधा एक घंटा शायद डांस कर लें, बिकॉज डिपार्चर में थोड़ा सा भी टाइम है। अलग ही टूर है ये तो। एंड इफ एनीवन फ्रॉम द रेलवे टीम, IRCTC टीम इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दिस टूर। ये मानिए दिल गार्डन गार्डन हो गया। ऑन दिस टूर मैंने एक नए फ्रेंड बनाए हैं, ही इज़ फ्रॉम केरला एंड वी आर ट्रैवलिंग इन द सेम कोच A2। यस ठीक है सर। यस अब बताइए यहाँ का आपको सब फूड वगैरह सब कैसा लगा? फूड बहुत अच्छा था ये होटल का। हाँ सबसे बढ़िया फूड वी हैड बीन, वी हैड टेकन टुडे, मैंने आज आज का सबसे अच्छा था, बढ़िया था जी। देन गुड वेजिटेरियन, यस, प्लस ये माहौल भी बहुत अच्छा था, एम्बियंस इज़ वेरी गुड। अभी हमारा अयोध्या हो गया, नंदीग्राम भी हो गया, जो भरत का तपस्या हो गया था 14 साल जी, वो भी हो गया। अभी हम निकल रहे हैं अयोध्या, हमारे अयोध्या से अयोध्या रेलवे स्टेशन को, बिकॉज हम हमारी जर्नी जारी रखेंगे। बिकॉज ही इज़ फ्रॉम साउथ इंडिया केरला, तो हिंदी का यू कैन अंडरस्टैंड, बट वी बोथ आर, मतलब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं ऑन कैमरा जितना हम हिंदी बोल सकें। यहाँ से सब कुछ हो गया, डांस वांस कर लिया, बस रेडी, पैसेंजर्स बोर्ड कर चुके हैं एंड नाउ वी आर ऑल सेट टू डिपार्ट, और हमारा रामायण एक्सप्रेस अयोध्या स्टेशन पे वेट कर रही है। जय श्री राम। जय श्री राम। यार ये चीज़ ना बहुत अलग है, ये टूर बहुत अलग है। चले सर, चले आइए। अयोध्या कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से रामायण एक्सप्रेस अब हम बोर्ड करने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। यहाँ से जो शेड्यूल में ऑफिशियल टाइम दिखाया गया है वो है 4:30, राइट नाउ इट इज़ 3:30, तो अपने पास बहुत टाइम है। और मेरे को तो ऐसा लगता है रामायण एक्सप्रेस को बिल्कुल धोखे भेजा गया है। वॉशरूम वगैरह एकदम क्लीन, कोचेज एकदम क्लीन है, बिकॉज AC डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन है, तो यहाँ पर हर चीज़ का, बहुत छोटी छोटी चीज़ का मैं कहूँगा ध्यान रखा जा रहा है। अभी पैसेंजर्स आ रहे हैं बिकॉज वो लगेज लेकर गए थे, धीरे धीरे पैसेंजर्स बोर्ड करेंगे, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पर एक बार फिर से यहाँ से हमारा सफ़रनामा आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आवाज़ क्लियर होगी,
गाड़ी का लोगो देख लीजिए, WDP 4D। कुछ लोगों के क्वेश्चन आए थे कि इलेक्ट्रिक लोगो क्यों नहीं यूज़ किया जा रहा। जिस रूट पर हम चल रहे हैं, जिस लाइन पर हम जा रहे हैं, कहीं डीजल, कहीं इलेक्ट्रिफाइड है, कहीं नॉन इलेक्ट्रिफाइड है, तो आई गेस पूरी जर्नी में हमको डीजल लोगो ही मिलेगा। आगे लोगो पायलट गार्ड वगैरह कहाँ चेंज होंगे और इसका लोगो का डायरेक्शन भी चेंज होगा, कहाँ होगा वो मैं आपको पूरी जर्नी में दिखाएगा। इन नेक्स्ट 30 मिनट्स वी आर रेडी टू डिपार्ट। एक इस तरफ डीजल देख लीजिए और इस तरफ दो खड़े हैं, दो डीजल। ये है इंडियन रेलवेज का मैजिक। आई गेस अभी लोको पायलट शायद अभी आए नहीं है, थोड़ा सा टाइम बाकी है ना इसलिए। जब मैं गया था तो कोच की हालत क्या थी, अब यहाँ देखिए पूरा क्लीननेस के साथ। और बिकॉज मैं लगेज छोड़ के गया था तो लगेज भी यहाँ पर सब कुछ सेफ है। फ्रेश टॉवल्स दी गई हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स, हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। देखिए लेनिन वगैरह सब कुछ इन्होंने एकदम नीट एंड क्लीन करके बिल्कुल मेरा अरेंज करके दिया है। और लकीली मेरे को जो सीट मिली है ना, आप देखो कर्टेंस लगा लीजिए एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल्स टू अ कूप। मैं सेकंड एसी में ट्रैवल कर रहा हूँ बट आप देखोगे तो एक कूप हो जाता है। कहते हैं ना भाई, कभी कभी किस्मत साथ दे देती है। कोच पूरी तरह से क्लीन है, सब कुछ, वी आर ऑल सेट। टाइम 4:36 और यहाँ से अयोध्या कैंट से रामायण एक्सप्रेस डिपार्ट होने के लिए तैयार है। आपके लिए ढेर सारा एंटरटेनमेंट नहीं, आपके लिए ढेर सारा इन्फोटेनमेंट। बस इसी तरह स्माइल करते रहिए और कोशिश यही है कि आपके लिए बैक टू बैक एंटरटेनमेंट इन्फोटेनमेंट आता रहे अयोध्या कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 4 से। वापस ट्रेन में आके, रेस्टोरेंट कार में आके कितना सही लग रहा है। और बिकॉज लाइन क्लियर नहीं है तो करंटली हमारी ट्रेन को रोक दिया गया है और अब रामायण एक्सप्रेस में सर्व की जा रही है हाई टी। बट सबसे पहले जूस बनता है। मैं तो जूस पर, समझ लीजिए जूस पर ही चल रहा हूँ। मिनिमम टू मिनिमम खाना है बिकॉज अगले 18 दिन आपको बैक टू बैक ट्रैवल करना है। उसके साथ देख लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है सैंडविच, उसके साथ ये है मफिन, प्लस दिस इज पकौड़ा, चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें। और यही है, प्लीज़ फूड का ध्यान रखिएगा। आई नो इट इज़ अनलिमिटेड बट मेक श्योर कि आप अपने हेल्थ पर भी फोकस करें बिकॉज हर 2 दिन में टेम्परेचर बदलेगा, खाना बदलेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितने पैसेंजर हैं, टूरिस्ट हैं, सब रेस्टोरेंट कार में बैठे हैं, अपनी हाई टी एंजॉय कर रहे हैं। ये है इस ट्रेन का असली मज़ा, इंडियन रेलवेज में ट्रेन में बैठ के दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। सर मज़ा आ रहा है कैसा? अरे बिल्कुल, वी आर प्लेइंग कैरम हियर फॉर एंटरटेनमेंट। बट ट्रेन क्या है, ज़्यादा शेक हो रही है इसीलिए खेलना थोड़ा, हाँ थोड़ा क्या है मूविंग। आप देखोगे मूविंग ट्रेन में हम खेल रहे हैं ना, तो थोड़ा शेकी है बट ये ज़रूर है सर मज़ा। स्टिल वी प्ले, स्टिल वी विल प्ले सर, वी विल डू दिस सर, आई विल विन भाई, दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। बट थैंक यू सो मच सर फॉर योर कंपनी। और यहाँ हो रहा है डबल धमाल, यहाँ डबल धमाल, धमाका धमाका। ठीक है कंटिन्यू सर। रानी रानी सर मैं ले, आई एम स्टिल बैचलर, रानी मैं लेगा। इनका रानी तो बैठी है मैडम बोलता है रानी तो बैठी और एक बार फिर से आ गए रेस्टोरेंट कैब में। क्या करने
डिनर करने। अगर आप फूड लवर हैं, आपको खाना पसंद है, रामायण एक्सप्रेस इज फॉर यू फॉर श्योर। यहाँ पे पालक पनीर, सूखी सब्जी है, स्प्राउट्स, फ्रूट्स, डेजर्ट में आपको मिलेगा गुलाब जामुन, और ना जाने क्या क्या ऑप्शन आपको यहाँ मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है एवरी डे की वेराइटीज चेंज हो रही हैं, एंड दिस इज पालक पनीर। एक पनीर लवर से पूछिए जनाब पालक पनीर की वैल्यू। भाई जान मैं बता रहा हूँ, आप खाते खाते थक जाओगे। 18 डेज आप सोचिए आपको फूड सर्व किया जाएगा, और बिल्कुल फ्रेश पेंट्री कार में बनाया जा रहा है। प्रेजेंटेशन स्टाइल देखिए, हर चीज़ यहाँ ऐसा लगता है बिल्कुल अप टू द मार्क। बाय एनी चांस अगर ये ब्लॉग देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। करंटली पहले ऑपरेटिंग स्पीड देख लीजिए, अराउंड 60 किलोमीटर्स पर आवर। इस ट्रेन का वाराणसी पर टेक्निकल हॉल्ट है, लोको पायलट गार्ड चेंज होंगे, प्लस आई गेस लोको का डायरेक्शन भी चेंज होगा। ऑफिशियल टाइमिंग है वाराणसी का कुछ 10 बजे का, बट हम थोड़ा सा अब लेट चल रहे हैं, तो ये ट्रेन वाराणसी थोड़ा और लेट पहुँचेगी। तो वाराणसी तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, देख लीजिए यहाँ पर अब और कुछ करने के लिए नहीं है। अब बस नींद पूरी करेंगे, आराम करेंगे, बस बैक टू बैक इतना ट्रैवल, इतना एक्सप्लोर करना प्लस चलना, ठीक है ना। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी कल सुबह, देखते व्लॉग देखते जाइए, आपसे कल मिलेंगे, ठीक है ना। बाकी जितने पैसेंजर्स हैं सब सो चुके हैं, ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज़ डे 4 ऑफ रामायण एक्सप्रेस, और अब हम आ चुके हैं बिहार। आपको इस तरफ दिखा दूँ, हम रुके हैं मुजफ्फरपुर जंक्शन, बिकॉज लाइन क्लियर नहीं है तो इसलिए ट्रेन को रोक दिया गया है, और अब वक्त है ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट जो पेंट्री कार में एकदम फ्रेश बनाया जा रहा है, यहाँ सर्व किया गया है। सबसे पहले उपमा, हाँ लाइए, थैंक यू। उपमा विद कोकोनट चटनी, और यहाँ के फूड की क्वालिटी कहनी पड़ेगी आ जाएगा ना सर, मुंह में सात्विक सात्विक सर्टिफाइड, यस आता है ना। उपमा के साथ वड़ा भी दिया गया है, राजा कॉर्नफ्लेक्स प्लस जूस, टी, कॉफ़ी, हर चीज़ आपको यहाँ सर्व की जा रही है। और फिर से आपको बता दूँ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द पैकेज, आपको एक रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं। सोचिए 18 दिन का फूड वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड है। भाई साहब मेरे से आप पूछिए, बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रेन फॉर मी इट इज़ दिस रेस्टोरेंट कोच। सर प्लीज जॉइन मी, हाउ इज इट गोइंग सर? गुड गुड, एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ पैसेंजर्स के, अरे आप भी कर लीजिए सर, ये लीजिए, आप तो बहुत पीछे पड़े हो। जय श्री राम, जय श्री राम। सब पैसेंजर्स के साथ ऐसी दोस्ती होती जा रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है 18 डेज में तो हम एक फैमिली की तरह हो जाएंगे सर। स्पेशली मैं अभी बोल रहा था अपने को पैसेंजर्स को केबिन में कि कल जो आफ्टरनून में जो डांस वगैरह किया था उससे ऐसी बॉन्डिंग हो गई एक ही दिन में, यू नो सो मेनी पीपल हैव कम टू नो ईच अदर। करेक्ट करेक्ट। अभी तो महज मेबी नॉट बाय नेम बट बाय फेसेस, बाय फेसेस। अभी तो सर महज शुरुआत शुरुआत महज शुरुआत है, कितना लंबा सफर है।
मैं अंदर बैठ के आराम से ब्रेकफास्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था लाइन क्लियर नहीं है, बट मुजफ्फरपुर जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है MFP, यहाँ इन्होंने अब लोगों को रिवर्स किया है। पहले उस साइड था, अब इस तरफ कर दिया और अब डाल दिया इलेक्ट्रिक। ये है कानपुर का वैग 9। आप देख लीजिए यहाँ पर इन्होंने अब ये लोगों को चेंज कर दिया। देखा, ऐसा कभी कभी होता है। मैं सोच रहा था ट्रेन को यार 20-25 मिनट हो गए, आवाज़ क्लियर होगी, 20-25 मिनट हो गए, ट्रेन चल क्यों नहीं रही। जब मैं नीचे उतरा तब मेरे को समझ आया इंडियन रेलवेज का फिर से लोगों को चेंज कर दिया। आई गेस यहाँ से सीतामढ़ी स्टेशन कुछ 40-50 मिनट्स का टाइम अभी और लगेगा। लोगों को पायलट गार्ड भी चेंज कर दिए गए हैं, एक बार फिर से चलने के लिए तैयार। दिसंबर में आई गेस मैं बिहार तीसरी बार आया हूँ, आप सोचिए। आपके लिए एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बिकॉज हमारी डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन है, हमारे साथ PK झा सर मौजूद हैं जो इस ट्रेन का ऑपरेशन देख रहे हैं, और कंट्रोल रूम से आप डील कर रहे हो। ज़रा बताइए ट्रेन कैसे हैंडल की जा रही है। बिल्कुल पंक्चुअल चल रही है ये। हाँ। पंक्चुअलिटी को मेंटेन कर रही है जी, और जगह जगह जिसमें कहीं डीजल पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, कहीं इलेक्ट्रिकल पावर की भी ज़रूरत पड़ती है, वो चेंज हो रही है। अच्छा, और जब प्रायोरिटी की बात आती है तो प्रायोरिटी राजधानी तुरंतों को दी जाएगी कि प्रायोरिटी हमारी ट्रेन को दी जाएगी। देखिए, प्रायोरिटी तो हमारी ट्रेन को ही मिल रही है अभी, क्योंकि ये रामायण यात्रा की ट्रेन है और समझ रहे होंगे कि बहुत बड़ा भारतवर्ष के लिए एक गौरवान्वित का विषय है जी, इसलिए प्रायोरिटी तो इसी को मिल रही है। ये ट्रेन चलाई जा रही है #, देखो अपना देश के अंतर्गत। थैंक यू सो मच सर फॉर योर सर्विसेज, और रेलवे से यही रिक्वेस्ट है ऐसी ट्रेन्स और आती है, आती रहेंगी और भी जी। बस सर एक बार हो जाए जय श्री राम। जय श्री राम। आप बोलो तो बोला करो यार मेरे साथ। कल हम चले थे दोपहर को 4:30 बजे, नाउ इट इज़ 10:30 और अब हम पहुंच चुके हैं सीतामढ़ी। स्टेशन कोड है SMI और बिहार में आपका स्वागत है। बस मेरी ट्रेन जर्नी ये वाली यहीं कंप्लीट होती है। आपको बता दूं अब हम आ चुके हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवेज और डिवीज़न है समस्तीपुर, इस डिवीज़न का ए कैटेगरी का रेलवे स्टेशन। अब यहाँ से हम जा रहे हैं जनकपुर, नेपाल बॉर्डर भी क्रॉस करेंगे, वो आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए और मेरे साथ वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। अब सब पैसेंजर्स नीचे उतरेंगे, बाकी पूरी कहानी आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी। दिस इज़ डोलेश साइनिंग ऑफ। सर मज़ा आ रहा है ना, साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज बैक टू बैक आपके सामने व्लॉग्स आते रहेंगे। जय श्री राम।